हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है द क्रेजी अनबॉक्सर की एक क्रेजी दुनिया में। तो आज के वीडियो में हम अनबॉक्स और टेस्ट करने वाले एक बहुत ही कमाल के पबजी टॉय गन को। ये टॉय गन हमें पिस्तौल के फॉर्म में देखने को मिलती है। ये टॉय गन को मैंने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप जरूर चेकआउट करना। और अगर आपको ऐसे ही कुछ कमाल की टॉय गन की अनबॉक्सिंग के वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना, आपका भाई जरूर आपके लिए बनाए। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए बिना वक्त कमाए फटाक से अनबॉक्स करते हमारे इस टॉय गन को और देखते हैं हमारे टॉय गन हमें कैसे देखने को मिलती है। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स को थोड़ा पहले ही फाड़ लिया था ये चेक करने के लिए कि हमें हमारी गन मिली है या नहीं। बाकी बचे हुए बॉक्स को चलिए खोलते और देखते हमें हमारे गन कैसे देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको इस गन की प्राइस बता दूं तो ये गन मुझे पड़ी है 250 की, जो कि मुझे लगता है वर्थ है। चलिए देख, वीडियो के आखिर में आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये गन खरीदना वर्थ है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने हमारे बॉक्स को खोल लिया है। आप देख सकते हैं हमें गन ना तो किसी बॉक्स में और ना किसी रैप में मिलती है। हमें गन हमारे बबल रैप में देखने को मिलती है। इसके साथ ना कोई बॉक्स और ना कोई मैनुअल और ना कोई कार्ड देखने को मिलता है, एक ही बॉक्स देखने को मिलता है। तो चलिए इस बॉक्स को साइड में रखते हैं और हमारी गन के ऊपर का बबल रैप को खोलते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे बबल रैप को खोल लिया है तो आप देख सकते हैं हमें गन के ऊपर एक और पॉलिथीन देखने को मिलती है प्लास्टिक की, और हमें गन के साथ कुछ ऐसे येलो टाइप के बुलेट देखने को मिलती है, जो कि हम खोल के देखेंगे इसका ये किस मटेरियल से बनी है बाद में। पहले गन के ऊपर आए तो गन हमें कुछ ऐसे प्लास्टिक के पन्नी में देखने को मिलती है, जिसके ऊपर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है P729BB गन। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन और यहाँ पे कुछ लिखा है 1x1 रियर स्केल कम्प्लीटेड हाई ग्रेड टाइप एयर सॉफ्ट अनराउंड गन, डू नॉट शूट एट एनी ह्यूमन और एनिमल। मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये गन है 8 साल के ऊपर के बच्चों के लिए गन, 8 साल के नीचे के बच्चों के लिए ये गन सेफ नहीं है। और अगर इस गन से आप खेलते हो तो आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि इस गन से निकली हुई गोली किसी आदमी के या फिर किसी एनिमल के आंख में नहीं लगनी चाहिए। पीछे से देखे तो पीछे से जो वही लिखा हुआ है। तो फिर हमारे गन को बाहर निकालते हैं इस प्लास्टिक की पॉलिथीन से। इस प्लास्टिक के पॉलिथीन से हमारे गन को बाहर निकालने के लिए पहले हमें ऊपर से इस पुट्ठे को हटाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हमारी गन यहाँ पे बाहर आ चुकी है। और हमारी गन यहाँ पे बात करें तो हमारी गन यहाँ पे ब्लैक कलर में हमें देखने को मिलती है, जो कि हार्ड प्लास्टिक की बनी हुई है। यहाँ पे सामने एक होल देखने को मिलता है जहाँ से आपकी बुलेट फायर होगी। पहले हम इस कूड़े को हटाते हैं और बाद में हमारे गन के ऊपर आते हैं। तो हम हमारी गन की बात करें तो हमारी गन हमें हार्ड प्लास्टिक की देखने को मिलती है। यहाँ पे नीचे इसका ट्रिगर देखने को मिलता है, ऊपर तो और कोई चीज देखने को तो नहीं मिलती है। नीचे की बात करें तो नीचे हमें एक मैगजीन देखने को मिलती है, जिसे निकालने के लिए मुझे लगता है मुझे यहाँ पे कुछ बटन मिला होगा। हाँ, मैं जैसे इस बटन यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक बटन देखने को मिलता है। तो जैसे हम इस बटन को दबाएंगे तो आपकी मैगजीन यहाँ पे बाहर निकल कर आ जाएगी, जहाँ पे आपकी ये येलो कलर की गोलियाँ लोड होती है। अगर हम इस गोलियों को खोल के देखें तो यह हमें येलो कलर की देखने को मिलती है, जो कि जो भी हार्ड प्लास्टिक की बनी हुई है। दो मिनट अगर हम गोलियों की बात करें तो हमें ये गोलियाँ येलो कलर की देखने को मिलती है, जो कि हार्ड प्लास्टिक की बनी हुई मटेरियल की है। तो अगर आप ये गोलियों किसी एनिमल या फिर ह्यूमन के ऊपर फायर करते हैं तो ये गोलियाँ उन्हें लगने के भी चांसेस है। और आप देख सकते हैं हमें इस गन के साथ बहुत सारी ऐसे 4 पैकेट देखने को मिलते हैं। और अगर हम एक पैकेट में बात करें तो एक पैकेट में लगभग 25 से 30 गोलियाँ देखने को मिलती है।
हमें ऐसे और 4-3 पैकेट देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये गोलियां हमारे मैगजीन के अंदर लोड हो जाती है और हमारी मैगजीन हमारे गन के अंदर कुछ ऐसे लग जाती है, सॉरी मैंने उल्टा लगा दिया, ऐसे लग जाती है और जैसे हम इसके ट्रिगर को दबाए तो हमारी गोली यहाँ पे फायर होना चालू हो जाती है। तो चलिए हमारी गोलियों को हमारे मैगजीन के अंदर भरते हैं और देखते हैं हमारी गन की फायरिंग टेस्ट करके देखते हैं। आपको मैगजीन के अंदर इस गोलियों को भरने के लिए आपको ऐसे पकड़ना, मैगजीन को ऐसे पकड़ना होगा और इस गोलियों को ऐसे दबाना होगा। जैसे हम इस गोलियों को इस मैगजीन के अंदर दबाते हुए जाएंगे तो आपकी गोली यहाँ पे नीचे नीचे खिसकती हुई जाएंगी और हमारी मैगजीन लोड हो जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हमारी मैगजीन को लोड कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारी मैगजीन में यहाँ पे 9 गोलियाँ बैठ सकते हैं। तो हमने हमारी मैगजीन को लोड कर लिया है तो इसे हम जैसे ही गन में लगाएंगे तो हमारी गन यहाँ पर लोड हो चुकी है। तो इस गोलियों को रखते हैं साइड में, फिर से इस पन्नी में भर कर और हमारी गन को यहाँ पे फायर कर देखते हैं। भाई एक तो एक गोलियाँ बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो आपको इसे बहुत ही ज़्यादा संभाल कर यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि ये गोलियाँ घूमने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो भाई आप जैसे देख सकते हैं मैंने इसकी मैगजीन को लोड कर लिया है। तो इसकी मैगजीन को आपको पूरा लोड नहीं करना है, मैंने पहली इसमें गलती कर दी, पूरा लोड करा तो ये ना गन ना तो रिलोड हो रही थी और ना फायर हो रही थी। अगर हम गन के रिलोड करने की बात करें तो इस गन, ये गन पूरी रियलिस्टिक गन जैसे रिलोड होती है। जैसे हम इसके ऊपर के पार्ट को पीछे खींचेंगे तो हमारी गन रिलोड होती है और जैसे हम इस ट्रिगर को दबाएंगे तो हमारी गन फायर करती है। आप आवाज़ सुन सकते हैं इसका, आवाज़ कितना रियलिस्टिक देखने को मिलता है। तो जैसे हम इस मैगजीन को पूरा भर कर हम इसके अंदर लोड करेंगे और हम ये ऊपर के पार्ट को खींच कर गन को रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी गन यहाँ पर रिलोड हो चुकी है। और जैसे हम इसको फायर करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक साथ 2 गोलियाँ फायर हो चुकी है जो कि मेरे हाथ को बहुत तेज़ी से लगी है, बहुत तेज़ी से आकर लगी है। तो चलिए इस गन से कुछ फायरिंग यहाँ पे कर देखते हैं और देखते हैं ये गन यहाँ पे फायरिंग टेस्ट में हमें कैसे परफॉर्म करती है। तो भाई मैंने यहाँ पे हमारी गन की मैगजीन को पूरा लोड कर लिया है और सामने 4 प्लास्टिक की बोतल को अरेंज किया है। तो देखते हैं हमारी गन इस प्लास्टिक की बोतल को गिरा पाती है या नहीं। तो हमने हमारी गन को यहाँ पे रिलोड कर लिया है और आप देख सकते हैं हमने पहले फायर की तो हमारी बोतल तो हिली लेकिन बोतल के बीचों बीच नहीं लगी, इसलिए बोतल को जल्दी गिरा नहीं पाई। जैसे हम दूसरी फायर करेंगे आप देख सकते हैं उसी फायर में हमारे गन ने यहाँ पे बोतल को गिरा दिया है। तो भाई हमने यहाँ पे गन को तो बहुत ही बार फायर कर चुके हैं, इसकी मैगजीन भी खाली हो गई लेकिन जो हमारी प्लास्टिक की बिस्लरी की बोतल थी उसको तो इसकी गोलियाँ गिरा पाई लेकिन जो हार्ड प्लास्टिक की बोतल थी उसको नहीं गिरा पाई। तो भाई आपने जैसे देखा हमें इस गन ने फायरिंग टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस दी। तो अगर आप इस गन को खरीदते हैं तो आपको 2 चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना होगा। पहली, आपको इसके मैगजीन को पूरा लोड नहीं करना है। अगर आप इसकी मैगजीन को पूरा लोड करेंगे तो इसकी ये गन ना तो अच्छे से रिलोड होगी और ना अच्छे से फायर कर पाएगी। तो आपको इसके मैगजीन में थोड़ी जगह छोड़नी है जिससे ये गन अच्छे से रिलोड हो और फायर कर सके। दूसरी बात, इससे निकली हुई गोली ना तो किसी इंसान और ना किसी एनिमल को जा लगे क्योंकि भाई इससे निकली हुई गोली बहुत तेज लगती है। जैसे मैंने वीडियो में अपने हाथ के ऊपर फायर किया था तो इससे निकली हुई गोली का निशान अभी तक मेरे हाथ के ऊपर है जो कि मुझे बहुत जोर से लगी थी। तो अगर आप इस गन को खरीदना चाहते तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी है। और अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग गन्स की अनबॉक्सिंग की वीडियो चाहिए तो ये मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक नए इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट और अनबॉक्सिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।